हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारे बीच उसी फिल्म की लीड एक्टर और प्रोड्यूसर साहब मौजूद हैं, तो चलिए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाते हैं वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड जाह्नवी कपूर और साथ में प्रोड्यूसर साहब मिस्टर बोनी कपूर। Hi, Boni. How are you? जानवी, बोनी सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जानवी इतनी बड़ी स्टार हो गई है, आज हमारे शो पे पहली बार आई है। इनसे हम क्या गिला करें, बोनी साहब की भी बोनी आज ही हुई है, ये भी पहली बार आए हैं। जानवी, सबसे पहले तो आपकी अचीवमेंट्स के लिए आपको ढेर सारी मुबारकबाद। थैंक यू, लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट यही लग रहा है कि आज मैं कपिल जी के शो पे आई। अरे बाप रे, पर कपिल की बोनी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मों में मेरी फिल्म से हुई थी, इट्स माय लाइफ से। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये इतने दिलेर प्रोड्यूसर हैं कि जब हम लोग थाईलैंड में शूट कर रहे थे, एक फिल्म का एक पार्ट था इट्स माय लाइफ का, तो उसमें मैं 20 दिन रुका था, मेरा काम 7 दिन का ही था, 13 दिन मैंने आपके खर्चे भी एंजॉय किया। वो मुझे पता था कि आगे जाके इतना बड़ा स्टार बनने वाला है, तो तेरे को मैं पहले ही पैम्पर कर रहे थे। जानवी, आप इतनी बेहतरीन फिल्में कर रही हैं, आप स्टार हो गई हैं आप, लेकिन आज जब आप पापा के साथ जाती हैं, आपको स्टार वाली फीलिंग आती है कि लगता है कि पापा स्कूल छोड़ने आए हैं आपको? हमेशा लगता है पापा स्कूल छोड़ने आए, आज कपिल शर्मा जी के शो पे छोड़ने आए थे लेकिन अंदर ही आ गए अभी। नहीं, आज उल्टा है, ये मुझे स्कूल छोड़ने आई। अच्छा। अब मैं मॉनिटर करने आई हूँ कि कुछ उल्टा सीधा ना। बोनी सर, आप जानवी के पिता भी हैं और फिल्म मिली के प्रोड्यूसर भी हैं, तो आज आप एज ए प्रोड्यूसर आए हैं या एज ए फादर आए, ताकि हम अपना मेन्यू उस हिसाब से पेश करें। आज मेरा डबल रोल है, आज डबल रोल है, डबल रोल है। वाओ, चलिए सर, बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी बातें करेंगे, आइए जानवी। एक बात मैं कहना चाहूंगा। जी सर। एक मेरे पास टाइटल है, एक स्क्रिप्ट है जिसका नाम है रंग बिरंगी। अच्छा जी। उस पिक्चर का मुहूर्त मैं यहीं पे करूंगा क्योंकि ये इतना रंग बिरंगी, इतना रंग बिरंगा है। मैं तो कहता हूँ पिक्चर में लड़का भी यही है, ले लो आप। और जो सेट से रंग बच गया है वो अर्चना ने कपड़े में पूरी की। यही तेरा मौका है बोनी, अब मुझे भी ले ले इसके साथ। हाँ। जानबूझ के नहीं गया, वो पेंटिंग में गिर गई थी किसी की पेंटिंग पे। आप सब जानते हैं जानवी ने 5 साल पहले धड़क फिल्म से अपना जो है डेब्यू किया था, क्या कमाल का काम किया था जानवी आपने। थैंक यू, बहुत ही मजा आया आपको उस फिल्म में देख। कपिल, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट डिड यू सी अभी बोनी ने क्या किया? क्या किया? वो जो पीछे मर्ज हो जाता इनके बेस कोट के साथ, वो कुशन वहां रख दिया। देखो, लुक एट हिज आई, असली स्टार तो ये है, मैं वो ही बोल रही हूँ आपको। जो पीछे डिटेलिंग होती है, आपने ध्यान दिया होगा अभी तक। जानवी, शुरुआत तो आपने धड़क से कर ली थी, उसके बाद भी आपने कई बेहतरीन फिल्में की, लेकिन हमारे शो पे आज पहली बार आप आई हैं। आप इंतजार कर रही थी कि पहले कपिल शर्मा कोई सीरियस फिल्म कर ले? नहीं सर, आप मुझे डेट ही नहीं दे रहे थे। हैं? ये दोस्तों, ये इन्होंने ऐसे ही बोल दिया यहाँ पे। नहीं, हालांकि हम बहुत देर से ट्राई कर रहे थे कि जानवी जो है हमारे शो पे आए, हमें लोग लिखते रहते हैं जानवी आपके शो पे क्यों नहीं आती है। मैंने कहा यार हमारी कभी खुद नहीं मुलाकात हुई अभी तक, पर जब भी आए, देर आए, दुरुस्त आए, बहुत नहीं, बहुत मैं आपको बताती हूँ, मैं जब गुंजन रिलीज हो रही थी तभी लॉकडाउन चल रहा था, तभी मैं नहीं आ पाई जी। लेकिन हर फिल्म के रिलीज होने से पहले मेरा पहला जो प्रमोशनल आउटफिट मैं डिसाइड करके रखती हूँ, वो यही डिसाइड करती हूँ कि कपिल जी के शो पे ये पहनूंगी, लेकिन वो कभी होता ही नहीं है। लेकिन ये साड़ी जो मैंने 1 महीने पहले डिसाइड किया था, वो आज पहनने का मौका मिला, तो बहुत खुश हूँ। जब जानवी ने आपसे कहा कि मुझे एक्टर बनना है, आपको हैरानी हुई कि आप पहले से तैयार ही थे? मैं अंदर से तो तैयार था, पर मेरी बीवी तैयार नहीं थी। अच्छा, उनको डर था, एक तो एक्टिंग कोर्स की बात कर रही थी, मतलब अलग जाएगी, क्योंकि इन्होंने पहले फरमाइश कर दी मैं लीज ट्रांसफर जाऊंगी एलए में। अच्छा, तो ये सुन के सबसे पहले ख्याल यह है कि एक तो 22 घंटे की फ्लाइट, दूसरा अकेली कैसे रहेगी घर पे, तो आगे पीछे लोग होते हैं, और इसको आदत ही सुबह उठते ही इसको मम्मा चाहिए, रात को सोने से पहले मम्मा चाहिए। अच्छा, मम्मा सर दबाएगी, मम्मा कहानी सुनाएगी, तब ये सोएगी।
सुबह उठते ही मामा दूध पिलाएगी तो ये उठेगी। अच्छा, मतलब ये इसका रूटीन था। तो माँ इसको फिक्र नहीं थी आगे जाके क्या होगा, माँ को फिक्र थी मेरे बिना ये कैसे उधर रहेगी। अच्छा, और उसको पता नहीं कि ठान ली थी मैं ये कैसा करूँगी। तो खैर ये साल भर रही एले में, एंड शी वाज हैप्पी, एंड आई टोल्ड माय वाइफ दैट इट्स बेटर दैट शी गोज देयर एंड शी गेट यूज्ड टू बीइंग इंडिपेंडेंट एंड अपने आप सब कुछ कर लेगी। निकलते तो अपने आप सीख लेते हैं, सीख लेते हैं, सब कुछ कर लेगी। हालांकि ज्यादा सीख के नहीं, कपड़े ऐसे ही इसके पड़े होते हैं बेडरूम में। कुछ नहीं सीखी मैं सर। बाथरूम में जो टूथपेस्ट भी मेरे को जाके बंद करनी पड़ती है कभी। अच्छा, पूरा भांडा थैंकफुली फ्लश खुद कर लेती है। इतना स्टार स्टार बोल के इंट्रोडक्शन दिया था, फ्लश पे आ गई है। नहीं पर ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अनिल पूरे फैमिली का भांडा यहाँ खोल। अनिल जब स्ट्रगल कर रहा था और एक्टिंग का शौक था, अक्सर ये होता था। अच्छा, उस जमाने में गीजर ऐसे होते थे, स्विच ऑन करो तो एक छोटा सा एक बल्ब भी होता था लाल रंग का, ये जो भी होता वो ऑन होता था और छोटा सा गीजर होता था। तो जब वो नहा के निकलता था गीजर का बंद स्विच नहीं बंद नहीं करता था। अच्छा, तो थोड़े घंटे भर के बाद हमको पता चल जाता था अनिल नहा के आया और गीजर उड़ गया। ओह माय गॉड। और अगर गीजर का प्रॉब्लम नहीं होता तो फ्लश का, बाथरूम में जाते ही पता चलता अनिल होके गया। उनको क्या होता है कि बाथरूम में जाके पहले तो उन्होंने अपनी तरफ 25 बार देखना है कि मैं ठीक लगा, बाकी चीजें भूल जाते हैं। मतलब ठीक है ना, एक आदमी कितनी बार मैनेज करे, कितनी चीजें। नहीं वो तो है। अब जो बाथरूम का रास्ता भी था ना हमारे पुराने घर चेंबूर में, हाँ। तो वहाँ पे अलमारी थी। अच्छा, अच्छा जी। तो मुझे खड़ा करके उसने एक मार्क बना लिया था, हाँ। और हर महीने में अपना मार्क चेंज करते रहता, मैं इतना लंबा हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। अच्छा, और मेरे तक पहुंच नहीं पाया। और हुआ क्या, उस कपट पे इतने स्क्रैचेस हो गए कि मेरी मां को कपट बदली करना पड़ा। अच्छा बोनी सर, आपने अनिल सर को लॉन्च किया वो 7 दिन में, संजय सर को लॉन्च किया प्रेम में, आपको किया इट्स माय लाइफ में, हाँ मेरे को भी किया। और मैं नाना पाटेकर साहब का नौकर का रोल किया मैंने उसमें। जानवी को 5 साल हो गए फिल्मों में, अब आपने जाके उसको प्रोड्यूस किया, आप क्या कोल्ड स्टोरेज का ठंडा होने का वेट कर रहे थे कि मिली बनाओ? नहीं देखिए क्या है कि मैंने अर्जुन जानवी दोनों को पहले मौका दिया कि बाहर काम करो, प्रूव योरसेल्फ, जब पक जाओ फिर मैं बनाऊंगा पिक्चर। क्या बात, रिस्क नहीं लेंगे ये। रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि खुद जाकर मैं पिक्चर बनाता हूँ तो उसमें इतना कुछ करने की कोशिश करता हूँ जी, जैसे संजय के साथ मैंने किया था। तो होता है कि प्रोजेक्ट को नजर लग जाती है एंड आई बिकम इंडल्जेंट, कुछ जरूर से ज्यादा खर्चा भी कर लेता हूँ, जरूर से ज्यादा कोशिश भी करता हूँ। और जब भी आदमी जरूर से ज्यादा कोशिश करे या खर्चा करे तो मामला गड़बड़ी हो जाता है। तो मैंने इसलिए बैक सीट ली कि अर्जुन तैयार हो जाए फिर मैं उसका पिक्चर बनाऊं, जानवी तैयार हो जाए फिर उसके साथ पिक्चर बनाऊं। क्या बात है, दिस वाज अ सेल्फिश फादर एंड अ सेंसिबल प्रोड्यूसर। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा हमने जानवी जितने भी कपूर्स देखे हैं सबके सब टैलेंटेड हैं, चाहे वो एक्टर हैं चाहे वो प्रोड्यूसर हैं। कोई ऐसे कपूर को आप जानते हैं आपकी रिश्तेदारी में या आसपास जो रेलवे में नौकरी करता हो या डाक विभाग में हो, कि सारे एक्टर्स ही हैं प्रोड्यूसर ही हैं? सर सर ये अभी आपने सीरियस क्वेश्चन पूछा तो मैं सीरियसली पता लगाऊंगा ये। पर एक्चुअली ये जन्मजात ही टैलेंटेड होते हैं सारे। अच्छा आपके मम्मा साउथ से थी, पापा पंजाबी हैं, तो घर में खाना कौन सा बनता था फिर? दोनों लेकिन मम्मा ने एक्चुअली पापा को कन्वर्ट कर दिया था, इनको भी साउथ खाने का ज्यादा शौक है अभी। क्या बात कर सर, मोहब्बत कैसी चीज है ना, पराठे से इडली पे शिफ्ट हो गया है, जुड़ने तो मुश्किल होता है सर। पर पराठे का साथ छोड़ना नहीं है मैंने। अच्छा इडली भी खाऊंगा पर उसके बाद पराठे फिर खाऊंगा। कभी कभी दोनों साथ में भी खा लेते हैं। वो तो दिख रहा है। बोनी सर, जानवी एज एन एक्टर आपके साथ पहली फिल्म कर रही है, तो एज ए डॉटर आपकी नाक में दम ज्यादा करती है कि एज ए एक्टर? गिव एन ऑनेस्ट आंसर क्योंकि मुझे भी जानना है। नहीं नाक में दम बिल्कुल नहीं करती है। आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे चारों बच्चे, किसी ने मेरे नाक में दम नहीं किया। और ये तो बिल्कुल साइलेंट बच्ची थी, मेरे को याद भी नहीं कभी रोई है ये। अच्छा जी, ना ही मुझे याद है कि अर्जुन कभी रोया है। पर कभी तो डांटा होगा जानवी को? हाँ एक बार डांटा था जब इसने, हम लोग आई थिंक न्यूयॉर्क में थे, तो ऑर्डर कर रही थी I'll have soup with no oil or I'll have grilled fish but no butter please। तो इनके अंदर के पंजाबी को बहुत मतलब दिल पे चोट आ गई बटर के बिना। ओनली टाइम सिर्फ तभी उन्होंने मुझ पे चलाया। मक्खन हमें अच्छा लगता है, फिश को थोड़ी अच्छा लगता है सर। पर इन्हीं के पेट में जाना था ना मक्खन। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब भी हम ट्रैवल करते थे और करते हैं, एक सूटकेस में हरी मिर्च,
गरम मसाला, थेपला, खाकरा और क्या क्या. लवली. एक बार बेचारे इमिग्रेशन वालों ने पकड़ लिया था रामू को. एक घंटे का क्वेश्चनिंग किया था उसके साथ कि क्यों इतना यहाँ अमेरिका में आम मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, हरी मिर्च ही मिलती है. लेकिन पापा का एक कुछ जस्टिफिकेशन था कि इंडिया में जो हरी मिर्च मिलती है वो सबसे तीखी होती है. तो आपके पापा तो मिर्ची लेके जा रहे थे, ये सूटकेस में मुर्गा रख के ले गई. जब आप वेजिटेरियन हो वो तो आप हुई है. मतलब पहले की बात, किसने रखा होगा मैंने पहले की बात बेचने के लिए, हो सकता है. अच्छा फैक्ट है, मैं हम बाहर जब पहले छुट्टियों में जाते थे, ये भी एक बात बताता हूँ कि बच्चों को नाश्ता मैं ही बना के देता था. एंड उस जमाने में ये था कि जानवी और खुशी दोनों इंसिस्ट करते थे, पापा यू विल मेक द स्क्रैम्बल्ड एग, यू विल डू दिस, यू विल मेक ब्रेकफास्ट फॉर अस, जो फ्रेंच टोस्ट हो ये हो. तो मैं कुछ ना कुछ करके बच्चे खुश हो जाए जो भी मैं बना रहा था. पता नहीं पापा का प्यार उसके अंदर डालता था या नहीं, नहीं अच्छा बना बटर डालते थे आप. जानवी बोनी सर का एक्सपीरियंस बहुत है इस इंडस्ट्री में, बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, उनको समझ है स्क्रिप्ट्स की है, जो भी कह लें आप. आप जब कोई फिल्म साइन करती हैं, इस फिल्म से पहले जितनी भी आपने फिल्में की, आप पापा से एडवाइस लेती हैं कभी? 100% लेती हूँ. और सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में आधे से ज्यादा लोग इनको कॉल करके इनसे एडवाइस लेते हैं. और ये इनका फेवरेट पास टाइम है. 12 बजे के बाद उन हमारे घर पे एक सोफा है और वो सोफा ना उनका तख्त हो गया है. और वो सोफे में एक यहाँ इट्स बिकम लाइक एक डिप आ गया है. क्योंकि वो उसी जगह पे बैठते हैं तो 12 बजे के बाद वो उनका अड्डा बन जाता है. और ऐसे नहीं कि एक हाथ में एक फोन है, दो दो फोन और दो दो अलग अलग लोगों को कुछ अलग एडवाइस दे रहे हैं. तो जब भी इनको फुर्सत मिलती है तो मैं भी एडवाइस मांग लेती हूँ. बोनी सर आप खुद इतने मजेदार, आपकी टाइमिंग इतनी मजेदार है, इतने सारे आपने स्टार्स बनाए, आपका खुद का नहीं कभी मन किया कि मैं भी एक्टर बन जाऊं? अभी कर रहा हूं मैं एक्टिंग, अभी लव रंजन की पिक्चर में. अच्छा जी. आई एम प्लेइंग रणबीरस फादर, डिंपल इज प्लेइंग माय वाइफ, श्रद्धा इज रणबीरस गर्लफ्रेंड एंड लव रंजन इज द डायरेक्टर एंड आई हैव हैड अ फैंटास्टिक टाइम ऑन सेट. वाह, मतलब मजा आया काम करके. 40-50 दिन मैंने शूटिंग की, पता नहीं कितना रोल रहेगा पिक्चर में बट बोनी पहले भी तो किया ना तुमने. हाँ, पहले भी एके वर्सेस एके. हाँ. शायद वही देख के लव इंस्पायर हुआ था या बोलता तो मुझे बोनी तेरी पर्सनालिटी देख के मैं ये रोल लिखा है. हाँ. मेरी पर्सनालिटी में क्या बात है मुझे समझ नहीं आती. इतना मॉडेस्ट पापा. बाद में पता चले आधा शेड्यूल खत्म हो फिर आपको बोनी साहब थोड़ा सा फंड मिलेगा इसमें. नहीं ऐसी नौबत अब तक तो है नहीं. ही इज वेल इक्विप्ड. भाई 4-5 लगातार उसने हिट पे हिट सुपर हिट बनाई है. नो बट यू आर फैबुलस इन एके वर्सेस एके. आप किससे डर रही आज तक? बाहर सिद्धू साहब आ खड़े हैं, उनसे तो डरी नहीं आप कभी. ये तो मैंने सिर्फ डराया है लोगों को. मैं डरी नहीं, मैंने डराया. बिल्कुल बिल्कुल. उस दिन पार्टी में परमीत सर आए थे, बेचारे डरे डर में, आप कुछ लेंगे नहीं, पहले अच्छे ना ले ले. इतना डरा के रखती हैं ये. अच्छा बहन भाइयों के बीच हम लोग बड़ी छोटी छोटी खुशियाँ जो शेयर करते हैं, आपकी खुशी तो वैसे भी छोटी है आपसे. जी. कभी ऐसा हुआ कि आपकी ड्रेस पहन के खुशी निकल गई, आपने सोचा ये उल्टा 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 है ये खुशी की ड्रेस पहन के निकलती है? हमेशा बिना पूछे और फिर बहुत झगड़े होते थे. अभी इतना नहीं झगड़ती है मेरे साथ. बड़े होके फिर समझदार हो जाते हैं बच्चे. समझदार हो जाते हैं. और आजकल ना फ्री में हम दोनों को बहुत ज्यादा कपड़े मिलते हैं तो फिर कितनी ऑनेस्ट है. देखो नहीं आती है. जानवी ये बिना फिल्टर के जो बोलने वाले हैं ना बहुत कम है दुनिया में. एंड दिस इज टू गुड. थैंक यू. आई स्वेयर रियली. जानवी ये कुछ क्वेश्चंस हैं दोनों के लिए. जी. लोग जानना चाहते हैं इसलिए उन्होंने मुझे लिख के दिए कि आप दोनों में से ज्यादा खर्चीला कौन है? पापा. ये तो हम जानते हैं सर. हमें आज भी याद है जब आपने रूप की रानी चोरों का राजा बनाई थी. उस समय हम न्यूज में पढ़ते थे कि उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी. आपको पता सतीश कौशिक साहब जब भी आते हैं बड़े मजे ले ले किस्से सुनाते हैं. कहते मैं तो इतना टेंशन में आ गया था, मैंने मरने की कोशिश की, खिड़की नहीं खुली. कहते मैंने कहा अच्छा हुआ खिड़की नहीं खुली, नहीं तो आप तो फंस जाते. नहीं 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 आपको किस्सा पूरा सुनाता हूँ. अच्छा जी. मतलब हम लोग एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे, हैदराबाद का प्रीमियर था. अच्छा जी. थॉट बिगैन फ्रॉम माय हाउस. अच्छा जी. तो मेरी गाड़ी में सतीश आगे बैठ रहा था, श्री मेरे साथ पीछे बैठी हुई थी. जब मेरी श्री से शादी नहीं हुई थी. अच्छा जी. बट
किस्मत मेरी थी कि मेरे साथ बैठी हुई थी। अच्छा जी। तो खैर श्री ने मेरे से पूछा हाउ इज द फिल्म डूइंग, तो मैं चुप रहा। तो सतीश ने पूछा हाँ वो नहीं क्या मतलब पिक्चर, क्योंकि उन दिनों में पिक्चर थर्सडे को लग जाती थी यूपी में और कुछ सेंट्रल इंडिया के हिस्सों में। जी। तो मैंने विद द ब्लैंक फेस बोला फिल्म इज फ्लॉप्ड, इट हैज बीन रिजेक्टेड। आगे मैंने देखा एक आदमी ऑलमोस्ट विंड स्किल के था, उसका सर लग गया। वो रोने लग गया। तूने सतीश हौसला रख, आगे अपनी दूसरी भी पिक्चर रहेगी। आप दोनों में से गुस्सा किसको ज्यादा आता है? मुझे पहले गुस्सा बहुत कम स्कूल के दिनों में आता था। अच्छा जी। बल्कि एक किस्सा मैं आपको सुनाऊं, मुझे आदत है मेरे घर पे दही मेरे लिए अलग बनता है। अच्छा जी। और अलग कटोरी में या कटोरी में दही बनेगा उसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल क्लियर सपाट होना चाहिए। हाँ। जो जिसमें दही जमा हो। अच्छा जी। तो मैं इंटर में था, कॉलेज जाने के पहले शगुन होते ना, दही खा लो या शक्कर खा लो या कुछ ऐसे। हाँ। शगुन होता है। तो मेरे घर पे उस रोज मम्मी शायद पहले निकल के बोल के गई थी मेरे घर के सर्वेंट को कि भैया ये दही चका देना बोनी को बिफोर ही लीव्स फॉर हिज एग्जाम्स। तो वो दही की कटोरी जो लाया उसमें क्रैक थे और ऊपर पानी जैसा आ गया था। अच्छा। दही जब क्रैक होता पूरा जमा नहीं हो तो थोड़ा पानी भी आई फ्लंग दिस थिंग, आई एम नॉट गोइंग फॉर द एग्जाम क्योंकि दही में क्रैक आ गया। ये कुछ नहीं है, कुछ ही साल पहले की बात है। मम्मा कोशिश कर रही थी कि इनको वॉक्स पे लेके जाए ताकि इनका थोड़ा बटर जो है कम हो। लेकिन और हर रोज कोई ना कोई बहाना बनाते थे। एक दिन मुश्किल से वो नीचे उतर गए शूज पहनने के, और शूज पहन रहे थे और पापा को थोड़ी दिक्कत होती है तो मम्मा उनका लेस बांधती थी। एक घंटे के लिए ये जूता ये जूते से टाइट है, नहीं अभी ये थोड़ा लूज है, नहीं इसका ये थोड़ा लंबा हो गया, इसको वापस। एक घंटे के लिए फिर मामा ने कहा छोड़ो नहीं नहीं चलो। और ये परफेक्शनिस्ट आदमी ना एक्चुअली बड़ा परेशान भी होता है, तो उसको हर चीज में परफेक्शन चाहिए। झगड़े के बीच में ये कर्टन ठीक करने लगते हैं। ठीक है हमारा झगड़ा दुनिया क्यों देखे। नहीं, दुनिया नहीं, मेरे को परफेक्शन की जो बात करना। लेकिन झगड़े के मैं रो रही हूँ, एक सेकंड कर्टन का लाइन सीधा होना चाहिए। क्या क्या बोलते हैं उसको जो बीमारी होती है ना, ओसीडी। हाँ, ओसीडी। आई एम अ मेजर। साबुन भी ठीक होना चाहिए, साबुन के नीचे पानी नहीं होना चाहिए, टॉवल सही होना चाहिए। अब जैसे इसके कमरे में जब सुबह जाता हूँ मेरे को कोफ्त होती है, कपड़े बिखरे होते हैं, टूथपेस्ट खुला होता है, ये सब चीजें होती है। एंड आई गेट टोटली पुट ऑफ बाई ऑल दीज थिंग्स। आप मेरे घर पे हो, मेरे बेडरूम में हो, मेरे ड्रेसिंग रूम में हो, हर चीज हैंगर। मैं हैंगर भी स्पेशल ऑर्डर किए हुए। अच्छा? भैया सब हैंगर यूनिफॉर्म एक जैसे होने चाहिए। अच्छा। तो जूते का भी रैक ऐसा होना चाहिए कि मेरे को खोल के देखना ही पड़े। क्या बात है पापा? वाओ। कि भैया सब हो और चमकते रहे जूते। एक बार मैं अपनी यही प्रॉब्लम इनसे शेयर कर रहा था, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है दो जूते रखे और एक ना तो मेरे का ऊपर नहीं होना चाहिए बराबर, और फिर उसको ऐसे करके पूरा ये आगे पीछे बराबर होने चाहिए। हाँ। तो गिन्नी मेरी वाइफ मुझे बोलती ना तुम सठिया गए हो तुम अभी से, ये सब कौन करता है। हाँ। फिर मेरी बेटी हुई घर पे। हाँ। अभी अमेरिका एक महीना रह के आया ना जब। हाँ। हाँ। तो वापस आई तो मैं कहा भाग के आएगी मिलने, तो उसने अपने चप्पल उतारी उसको ठीक करने लग गई। मैं कहा अब बता अब बच्चों को क्या बोलेगी। सो ऐसा होता है, तो ये डेंजरस चीज थोड़ी सर, ये तो अच्छी चीज है। अच्छा आप दोनों में से सुपरस्टिशियस कौन है? मैं बहुत सुपरस्टिशियस। मैं बिल्कुल नहीं हूं। मैं बहुत हूँ, मतलब हर अभी ये स्टेज एंटर करने से पहले भी मैंने राइट पाँव से कदम पहले रखा। और हर बड़े पापा के बर्थडे पे, मम्मा के बर्थडे पे, न्यू ईयर पे मुझे तिरुपति चढ़ के जाना है, थर्सडे को वेज रहूंगी, ये सब मेरा होता है। ये तो अच्छी चीज है, पॉजिटिविटी आती है। हाँ, इन चीजों से तो अच्छी बात है। अच्छा खाने को लेकर नखरे किसके ज्यादा होते हैं? पापा के। नखरे नहीं होते, नखरे ही होते। इनके हिसाब से नखरे हैं, मेरे हिसाब से खाना अच्छा होना चाहिए। हाँ। देखो आदमी काम क्यों करता है? खाने के लिए। अच्छे खाने के लिए, खाने के लिए बेस। जी। और खाना अच्छा नहीं हो तो फायदा है क्या खाना खा के? आई एग्री विद यू सर। पार्टियों वार्टियों को कौन ज्यादा शौकीन है? हम देख रहे थे इस बार सारी दिवाली पार्टियों पे आपके जलवे आप जा रहे थे। लेकिन इस बार मैं सिर्फ 5-5 मिनट के लिए गई। क्यों? क्योंकि मिली नाम की एक फिल्म आ रही है, इसके प्रमोशन में थोड़ी बिजी हूँ आजकल। प्रमोशन कर दिया। स्मार्ट गर्ल। जब तक फ्री थी मुझे पार्टी पे जाने का शौक था। अच्छा जी। क्योंकि आई यूज्ड टू फील प्राउड वॉकिंग इन विद हर, बिकॉज़
आई न्यू द मिनट वी एंटर अ पार्टी एवरीबॉडी यूज्ड टू टर्न अराउंड एंड हैव मुझे ऐसा लगता है मुझे भी लोग देख रहे हैं देखते उनको ही स्वीट पर मुझे लगता है मुझे भी लोग इसी बहाने मुझे देख रहे हैं बिकॉज शी ऑलवेज यूज टू होल्ड माई हैंड एंड आई यूज टू होल्ड हर हैंड सो आई यूज टू एंजॉय दोज मोमेंट्स तो जब से वो गई है तो पार्टी जाने का मतलब होता है ना कि इट्स नॉट इट डजंट गिव मी द सेम हैप्पीनेस और सेम वाइब जहाँ पे जरूरी होता है जाना अब जैसे इस दिवाली पे मैं कहीं नहीं गया क्योंकि दिवाली पे सब अपने हस्बैंड वाइफ के साथ है सब ये तो मैं अकेला जाके क्या करूँगा और श्रीदेवी जी को तो पूरी दुनिया इतना मिस करती है आपकी तो लाइफ पार्टनर थी वो और पर यही जिंदगी है सर जानवी एक बात आपसे पूछनी है जैसे आपने धड़क में एक राजस्थानी लड़की का रोल प्ले किया एक छोटे शहर की लड़की का इसमें बिल्कुल ही अलग है कि जाके आप कहीं फंस जाती कभी ऐसे बचपने में या इस रोल के लिए ही भले ही आपने कभी फ्रिज खोल के उसमें बैठ के ट्राई किया है कभी नहीं वो बचपन में करने की वजह नहीं पड़ी क्योंकि इस फिल्म के लिए मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा था कि हम आपके लिए कोल्ड स्टोरेज एक्चुअल में बना रहे हैं अच्छा। तो उन्होंने रियली एक कोल्ड स्टोरेज बना के रखा था जो कि हर वक्त -15 से -18 डिग्रीज रहता था तो ये सब ओरिजिनल कोल्ड स्टोरेज में हुआ है 20 दिन के लिए हर रोज 13-15 घंटा मैं इस कोल्ड स्टोरेज में बिताती थी और एक्चुअली 9 दिन का शूट था लेकिन मेरे डायरेक्टर 2 बार बीमार पड़ गए मैं 1 बार बहुत बीमार पड़ गई थी वो हिंदी इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते थे और फिर उसके ऊपर मंकी कैप पहने थे और उसके ऊपर बीमार भी थे हम उन्होंने आधी से ज़्यादा फिल्म साउंड्स में डायरेक्ट की है तो मतलब अच्छा टेक मतलब आ, 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 बुरा टेक मतलब और ठीक है लेकिन बेटर हो सकते और एक ही इंस्ट्रक्शन था हर टेक में क्योंकि हम 15-15 मिनट के टेक्स रन करते थे और वो माइक में रहते थे और बोलते रहते शिवरिंग मोर कभी कभी मेरी हंसी निकल जाती थी इमोशनल सीन कर रही हूँ रो रही हूँ सोच रही हूँ कि मैं मरने वाली हूँ और बैकग्राउंड में शिवरिंग For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.